डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ के मैथमेटिक्स में हम टाइम यानी वक्त कैसे मालूम करें, हम वक्त को कैसे पहचाने, कैसे हमें मालूम हो कि क्या टाइम आया, तो ये बात यानी ये सीख रहे हैं हम। हमारा जो चैप्टर है, हमारा लेसन है, उसका नाम है टिक टिक टिक। तो कल हमने जैसे सीखा, कल की वीडियो में आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में, कि किस तरह आकिब और मारिया आपस में डिस्कस कर रहे हैं टाइम के बारे में, यानी घर से स्कूल तक आने में कितना वक़्त लगता है। तो फिर यानी वो किस तरह एक दूसरे को फिर समझाते हैं, तो स्पेशली आकिब उसे समझाता है मारिया को कि नहीं, टाइम कैसे देखना है। तो आपने वो समझा होगा। तो चलो आज हम प्रैक्टिस टाइम पर जाते हैं। तो थ्री फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम ए क्लॉक, हु इज़ राइट। तीन दोस्त हैं, उन्होंने एक घड़ी, ये घड़ी है, उस पे उन्होंने टाइम पढ़ा, ठीक है ना, कि क्या टाइम आया। तो ये तो अब देखो इनमें से सही कौन है, ठीक है ना। बबलू है एक फ्रेंड, राजू है और अलका है, ठीक है। तो ये आप इस घड़ी पे देख रहे हैं, मिन आवर हैंड इस पे किस पे है, थ्री पे है, और मिनट हैंड 12 पे है, ठीक। तो बबलू ने कहा 3 मिनट्स पास्ट 12, राजू ने कहा 12:15, और अलका ने कहा 3 o'clock, ठीक है ना। यानी बबलू ने कहा 12:03 हो गए, राजू ने कहा 12:15 हो गए, यानी 12:15, और अलका ने कहा 3 बज गए। तो आपको बताना है इनमें से बबलू ने सही कहा, राजू ने, यालका ने। शाबाश। हाँ, आपको ये बात मालूम है जैसे कि मिनट हैंड आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई जिस पे होगी पहले, वो हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे। घंटे वाली सुई किस पे है, थ्री पे। तो इसलिए पहले देखें थ्री किस में, इसमें थ्री है, और मिनट की जो सुई है, हैंड है, वो किस पे है, 12 पे। जब 12 पे मिनट हैंड होगी तो उसका मतलब है यानी वो बराबर उतना बज जाते हैं, यानी तो इसलिए 3 बराबर बज गए हैं। तो इसका मतलब कौन सही है, अलका, ठीक है ना। ये हो गया राइट, ठीक है, ये वाला। तो नेक्स्ट फिर दूसरी घड़ी पे इन्होंने टाइम देखा, तो वहाँ भी बबलू ने कहा 7:25 है, 25:07, राजू ने कहा 7:05, एंड अलका ने कहा 25:06 या 35:05, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है, तो 7:25 हो, इसने कहा, अगर सबसे पहले जैसे तरह मैंने कहा कि आप देखो मिनट हैंड किस पे है, मिनट हैंड आवर हैंड किस पे है, घंटे, वो तो 5 और 6 के बीच में है, उसको मतलब 5 पे है, यानी 5:07 है, 5:35 है, ठीक है ना। तो इसलिए हम देखेंगे 7 पे है मिनट हैंड, तो जिस तरह आपको पता है अगर 12 पे होगी तो बराबर उतने बज जाते हैं, 1 पे होगी तो 5 मिनट्स होते हैं, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे कितना हो जाता है 20, और 5 पे होगी 25, 6 पे होगी 30, और 7 पे होगी 35, किस पे 7 पे है, उसको 5:35, ये वाला ठीक है, 35:05, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही अगला में है, फिर इस घड़ी पे देखो, तो 3 बबलू ने कहा 3:35 हो गए, 3:35 या 25:04, 25 मिनट कम 4 या 3:35, और राजू ने कहा 3:07, और अलका ने कहा 7:15। तो सबसे पहले आप देखें आवर हैंड किस पे है, वो 3 पे है या 7 पे है, यानी घंटे वाली से, हाँ वो तो 7 पे ही है, उसको मतलब 7:00, ठीक है ना। कितने मिनट हो गए आगे ये देखेंगे, किस पे है, 3 पे है, तो 7:03 हो गए या 7:15 हो गए, 7:15 कौन सा है? अगर 1 पे होता तो कितने, अगर 12 पे होता तो उसको मतलब बराबर 7 बज जाते, 1 पे होता 5 हो जाता, 2 पे
टेन, थ्री पे फिफ्टीन, किस पे थ्री पे, उसका मतलब ये वाला यहाँ सही है, ठीक है ना, यहाँ ये सही, यहाँ ये सही, उसका मतलब है तीनों जगह कौन सही है, अलका, ठीक है कि। तो ये आपने अच्छे से नोट किया, आपको ये समझ आ गई कि यानी कहाँ कौन सी हैंड कहाँ पे हुई मिंट हैंड तो कितने बच जाते हैं। अगर बराबर 12 पे होगी है ना जी मिंट हैंड, तो वो बराबर उतने बच जाते हैं जितने पे ओवर हैंड होगी, ठीक है। फिर अगर 5-1 पे होगी मिंट हैंड, तो 5 मिनट्स होते हैं, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, 6 पे 30, 7 पे 35, 8 पे 40, 9 पे 45, 10 पे 50 और 11 पे 55, तो ठीक है। अब नेक्स्ट है, शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। इस क्लॉक में घड़ी छपियाँ आपके सामने दी गई हैं, इनमें आपको जो टाइम बताना है, 10 मिनट्स पास 3, 3:10। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मिनट ओवरहैंड बनाएंगे, हाँ यहाँ बनाएंगे ओवरहैंड, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा पूरी तरह से नहीं बन रहा है इस पर, और 10 5 10 10 2 की साइड मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे आगे समय 3 पे ले आएंगे ओवरहैंड और 2 पे ले जाएंगे मिंट हैंड। 6:40 यानी 40 मिनट्स पास 6 या 20 मिनट्स टू 7, 20 मिनट कम 7 या 6:40, तो ओवर हैंड 6:40 यानी यहाँ तक पहुँचाई है, इसलिए 6 और 7 के बीच में हम इसको ओवर हैंड को बनाएंगे, ठीक है ना, हो गया ओवर हैंड। और 40 कहाँ है, 8 पे आएगा तो 40 बनेगा, ठीक है, आई समझ, ये हो गया यानी 20 मिनट कम 7। फिर क्या है, 4:45 4:45 या 4:45, ठीक है। यहाँ ये नंबर दिए हैं 12, 3, 6, 9, तो ये वाली जो लकीर है, ये वाली जो लाइन है वो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो हम मिंट हैंड को ओवर हैंड को यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है, यानी 4 और 5 के बीच में से थोड़ा। तो अच्छे से आपको समझ आ गया, आप यानी आप अपनी बुक पे भी आपकी है ये, वहाँ से आप ऐसे बनाइए ऐसे क्लॉक्स अपनी कॉपी पे और इस तरह प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट, हाँ फिर ये है 2:20, आप खुद बना के ले आइएगा, और ये है 3:15 और ये है 7:35, ठीक है। तो 7:35 को हम बना लेंगे यहाँ, ठीक है, यानी ये दोनों सुइयाँ 7 और 8 के बीच में ओवर हैंड रहेगी और 7 पे मिंट हैंड रहेगी। तो इसके साथ ही आगे हम चलेंगे नेक्स्ट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि डू यू लाइक स्काई वॉचिंग, इफ येस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। क्या आपको आसमान की तरफ देखना, आसमान देखना, तारों की तरफ, आसमान की तरफ देखना अच्छा लगता है, तो कुदरती बात अच्छा लगता है, अगर ठीक है लगता है तो फिर ये चीज़ आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एट व्हाट टाइम डज सन राइज एट योर प्लेस, आपकी जगह पे जहाँ पर रहते हैं सूरज आज कितने बजे निकलता है। तो हमारे यहाँ यानी आज सूरज निकलता है 5:45, ठीक है ना, ठीक है। सनसेट यानी डूबता कब है, गुरूब कब होता है, यानी अब व्हेन डज द सन सेट, तो आज सूर्य जो गुरूब होता है वो होता है 7:10, ठीक है, ये PM, ये ठीक है। डज द सन राइज एंड सेट ऑल द एट द सेम टाइम एवरी डे, क्या हर दिन सूरज
कि चढ़ने का और डूबने का एक ही वक्त है, इन एक ही वक्त, जिस आज जो टाइम है कल भी वही होगा, परसों भी वही, नो नहीं, ये बदलता रहता है, ठीक है ना। लुक एट द न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सन राइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ्स। न्यूज़पेपर पे देखें या नक्शा जो होता है सनसेट, यानी जो प्रायर टेबल होता है, स्लॉट टेबल जो होता है, उस पर ये दिया होता है कि किस दिन सूरज कब निकलता है किस दिन नहीं, वो आप देखो मुख्तलिफ महीनों का और उससे देखो कि कितना ये बदलता है, ठीक है। तो आप अच्छे से, आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह हम, यानी ये जो सुई वाली घड़ी होती है, क्लॉक होती है, इस पर हम कैसे टाइम देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह करोगे और इन्जॉय भी करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।